हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज मैं आप लोगों के सामने आप ही की एक प्रॉब्लम का समाधान लेकर के आई हूँ, जो है हाई बीपी। देखिए, हाई बीपी को आप कंट्रोल कैसे करें, ये आप लोगों ने मुझसे कई बार पूछा है, और वो भी विदाउट टैबलेट, यानी आपको दवाई भी ना लेनी पड़े और आपका बीपी कंट्रोल हो जाए। उसके लिए आज मैं आप लोगों के पास कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स लेकर के आई हूँ और घरेलू उपचार लेकर के आई हूँ। तो वीडियो पसंद आ रहा हो, टॉपिक पसंद आ रहा हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं पहली बार तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाई बीपी के जो सिम्टम हैं, वो जिससे आपको पता लगता है कि आपको हाई बीपी है, वो है कि आपको पीछे से आपकी जो बुद्धि है उसमें से हल्का हल्का सा दर्द स्टार्ट हो जाता है, और जो आपको यहाँ या यहाँ दोनों में से किसी भी साइड दर्द होने लगता है। दूसरा, आपको बहुत ही छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा आने लगता है। तीसरी चीज, आपको नींद नहीं आती है, आपको चक्कर आने लगते हैं, आपका मन किसी भी काम में नहीं लगता है, ये लक्षण होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आपको ऐसा लगे तो एक तो आपको योगा कंटिन्यू करना है। कौन सा योगा, जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाए, यानी कि भ्रामरी आसन। भ्रामरी आसन आप कैसे करेंगे, आप अपनी दोनों हाथों को, अपनी दोनों आंखें बंद करके और उसके ऊपर ऐसे रख लेंगे, आंखों को कवर करना है, आंखों को दबाना नहीं है, और दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद कर लेना है, और फिर ऐसे करना है ये योगा आपको लंबे टाइम तक करना है, और दिन में दो बार करना है, एक तो रात को सोने से पहले और दूसरा सुबह के समय। ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट ही निकालने हैं। दूसरी चीज, आंवला पाउडर लेना है। आंवला पाउडर कैसा लेना है, देखिए, साबुत आंवला। अब तो इस टाइम, इस जो ये गर्मी का मौसम है, इसमें तो आंवला आपको मिलेंगे नहीं, इसलिए किसी भी पंसारी की शॉप पर आप जाएंगे, किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर आप जाएंगे, वहाँ पर आपको सूखे आंवले मिल जाएंगे। सूखे आंवले आपको लेने हैं, उनको, उनकी जो गुठली है वो निकाल लेनी है और वो सुखा लेनी है, और फिर मिक्सी में पीस करके उसका पाउडर बना लेंगे और छान कर किसी भी एक एयर टाइट डब्बे में भर के रख लेंगे, और उसे सुबह खाली पेट और रात को खाना खाने के बाद ठंडे पानी से आप उसे ले लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बिना टैबलेट्स लिए ही शांत होने लगेगी। ऐसा क्यों है, देखिए, आंवला की जो प्रकृति है वो ठंडी है, और जो हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो किस वजह से होती है, वो होती है पित्त के बिगड़ने की वजह से। और पित्त कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा जो पित्त असर करता है वो है डाइजेशन पावर पर असर करता है। तो जब हमारा पित्त इम्बैलेंस हो जाता है तब हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाता है, और डाइजेशन ख़राब होते ही हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। इसलिए अपने डाइजेशन को ठीक कीजिए, और हाई बीपी को कंट्रोल, आपका जो हाई बीपी है वो ईजीली कंट्रोल हो जाए। तो आंवले की प्रकृति ठंडी होने की वजह से ये हाई बीपी को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। साथ ही मैंने हाई बीपी के लिए पहले भी आपको एक काढ़ा बताया था, आप दिन में एक बार उसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो विदाउट टैबलेट्स ही ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज, मैंने हाई बीपी के लिए एक सिरप भी बताया है, जिसे आप कंटिन्यू करके अपनी टैबलेट्स को छोड़ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी हाई बीपी के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। देखिए, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आप कैसे दबाएंगे हाई बीपी के लिए, आप जो हाई बीपी का प्रेशर होता है, देखिए, जब आपका बीपी हाई हो जाता है तो आपके माइंड पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपकी ये उंगलियां हैं, उंगलियों की जो ये टिप हैं, इन्हें आप दबाएंगे, ठीक है, इन्हें आप दबाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके कंट्रोल हो जाएगी,
बाकी के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। मैं सारे चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपका मन हो तो आप देख लीजिएगा। लेकिन सारे ही वीडियो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं और मुझे इन पर बहुत ही अच्छे कमेंट आए हैं कि हमें काफ़ी रिलीफ हुआ है ये सारी चीज़ें करने के बाद। ये जो आंवला पाउडर है, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपका जो हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी जब आपने ये आंवला पाउडर लेना स्टार्ट कर दिया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले।